साल 2024 लोकसभा चुनाव में अब जब कुछ महीने शेष बचे हैं, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को संसद के एनेक्सी भवन में एनडीए सांसदों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें उन्होंने सभी सांसदों से सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता तक पहुंचाने की बात कही। साथ ही पीएम मोदी ने पार्टी के सभी सांसदों को लोकसभा चुनाव के लिए जुट जाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव में अब कुछ ही महीने शेष हैं, इसलिए सभी सांसद अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में लगातार दौरा कर केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसंपर्क अभियान को आगे बढ़ाएं और पूरे जोश के साथ काम करें। आपको बता दें कि एक तरफ जहां विपक्ष इन दिनों संसद के मानसून सत्र में मणिपुर मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को घेरने में जुटा है, तो वहीं इससे पहले 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी टक्कर देने के लिए कई विपक्षी दल एक मंच पर आए और नए गठबंधन इंडिया का गठन किया। पीएम मोदी ने सांसदों को दिया जीत का मंत्र। एनडीए सांसदों के साथ पीएम मोदी की हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों को जीत का मंत्र देते हुए बताया, विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने के लिए सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहा जाए, केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए, जिन राज्यों में गैर भाजपा सरकार है वहां राज्य सरकार की मदद लिए बिना योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाएं। इसके अलावा पीएम मोदी ने सांसदों को ये भी बताया कि देश में गरीबों की सबसे बड़ी ज्याति है, उनको ध्यान में रखकर जन कल्याणकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाएं। पीएम मोदी ने बुधवार को पहले चरण में महाराष्ट्र भवन में यूपी के काशी और अवध क्षेत्र के एनडीए सांसदों के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार के अलावा लक्षद्वीप के 96 सांसदों के साथ बैठक की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रही। देखिए, ये श्रृंखला शुरू हुई है हमारे सभी एनडीए के जो सांसद हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक होगी, संवाद होगा और हमने 5 वर्षों में अपने अपने राज्यों में, अपने अपने क्षेत्रों में भारत सरकार के माध्यम से क्या क्या विकास के कार्य किए, जनता की अपेक्षाओं पे हम कितना खरे उतरे, इसके संबंध में ये चर्चा होगी। और 2024 का लोकसभा चुनाव है, हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि अभी तक हमने जो भी प्रोग्रेस की है उसे हम जनता के बीच में लेकर जाएं, तो इसी संबंध में प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। देखिए, पिछला सत्र हमारा पूरा व्यर्थ हो गया और इस सत्र में हम देख रहे हैं कि लोकसभा की उत्पादकता जो है 15% है, राज्यसभा की 30% है। ये बहुत चिंताजनक है। हमारे विपक्ष के साथियों को सवाल पूछने का अधिकार है, सवाल उन्होंने खड़े किए, लेकिन जब सरकार जवाब देने के लिए तैयार है और हम सदन में चर्चा प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप उस चर्चा से भाग रहे हैं। यानी कि आप पूरी तरीके से जो हमारे सदन की एक सदन के प्रति जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। देखिए, ये सच है कि एनडीए की सरकार ने जिस स्केल, जिस स्पीड, जिस मैग्नीट्यूड के साथ काम किया है ऐसा पहले की सरकारों के कार्यकाल में इस स्केल, स्पीड और मैग्नीट्यूड से काम नहीं हुआ है। और यही कारण है कि चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की बात हो, गरीब कल्याण योजनाओं की बात हो, हमने अभूतपूर्व कार्य करके दिखाया है और आज जनता इसी कारण 2014 से ज्यादा बड़ा जनादेश हमें 2019 में दिया। पीएम मोदी के सभी सांसदों से मुलाकात का प्लान। 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से 10 दिनों में सभी एनडीए सांसदों के साथ पीएम मोदी की मुलाकात का प्लान बनाया गया है। इस कड़ी में 3 अगस्त को पीएम मोदी बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के सांसदों के साथ मुलाकात करेंगे। इसके बाद 8 अगस्त को पीएम मोदी की राजस्थान, महाराष्ट्र और गोवा के 76 सांसदों के साथ मुलाकात करने वाले हैं और 9 अगस्त को पीएम मोदी की मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, दादर एवं नगर हवेली, दमन और द्वीप में 81 सांसदों के साथ मुलाकात होगी। विपक्षी गठबंधन को निशाने पर लेते हुए पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों में जोश भरने का काम किया। उन्होंने कहा कि चोला बदल लेने से चरित्र नहीं बदल जाता, इसलिए विपक्ष के इंडिया गठबंधन से किसी को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यूपीए के पास जनता को बताने के लिए कुछ खास नहीं है। यूपीए सरकार पर कई दाग रहे हैं, इसलिए उन्हें मजबूरी में अब नाम बदलने की जरूरत आ पड़ी। पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों को जीत का मंत्र देते हुए कहा कि चुनाव का समय है, ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच
आप सभी जाएं और सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का जिक्र कर लोगों को सरकार के प्रति सकारात्मक संदेश दें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।